गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। मेन पार्ट्स ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइकोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइकोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। द पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन्स एलो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंशन बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंशन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। वेरियस ऑर्गेनेल्स सच एज माइक्रो कंटेरिया, गोगी बॉडीज, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल है बैक्टेरियल सेल, ब्लू ग्रीन सेल। अब है यूकैरियोटिक सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल है प्लांट सेल, एनिमल सेल। द क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक structure which can be seen only when the cell divides. Gene is unique to located on chromosomes. Nucleus in addition of controls the activity of the cell. Ab hai protoplasm. Nucleus plus cytoplasm. Protoplasm is called the living substation of the cell. Plant cell large vacuole whereas animal cell is much smaller. Plant cell contain chloroplast as green color plastic chlorophyll in the chloroplast of leaves in instile for photosynthesis. ये chapter 8 यहाँ हमारा finish होता है। उसके between difference करने हैं आपको prokaryotes और eukaryotes। फिर मेक द स्केच बनाना है ह्यूमन नर्वस सेल फंक्शन, नर्वस सेल्स परफॉर्म। फिर MCQ है वो आपको तैयार रेडी रखना है। फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की डिफरेंस आ सकती है। फिलिंग्स द ब्लैंक्स ये आपको एक्सरसाइज में लिखनी है। चैप्टर 8 यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू।